बुरे मित्रों की कहानी। एक जंगल में एक मूस बीमार हुआ। वह बहुत कमजोर होने पर अब ना कहीं जा पाती और उसे ठीक होने के लिए और थोड़ा समय चाहिए था। तब तक वह मूस घास के लिए ना चल पाते हुए थोड़ी घास ज्यादा होने वाली जगह ढूंढ कर उधर ही आराम से रहने लगी। मूस के बीमार होने की खबर धीरे धीरे पूरे जंगल में पता चल गया। बीमारी से आराम कर रहे मूस की हालचाल पूछने के लिए बाकी के मूस आने लगे। उसे देखने सारे मूस आए करके बीमार मूस बहुत खुश हुई। मुझसे वे सब कितना प्यार करते हैं, बोलकर चौंक गई। हालचाल जानकर उस जगह को देख आश्चर्य हुए। कितना हरा भरा घास है यहाँ, करके तुरंत सब घास चर कर उधर से चले गए। ऐसे जाने वाले सारे मूस उस मूस की बीमारी की खबर के साथ साथ मैं मेरे मित्र के बीमार होने पर उसकी हालचाल पूछने गया। उधर बहुत ही नरम घास था, वो नहीं खाया तो क्या खाया। आहा, कितना स्वादिष्ट था। तुम भी ऐसे जाकर दो चार बातें करके जितना चाहे उतना खा के आओ ना। बोलते हुए घास वाली बात भी दूसरे मूसों को बताई। हरी भरी घास है जानकर सारे मूस भीड़ों में आकर हालचाल पूछने के बहाने से घास खाने लग गए। यह सब देखकर आराम करने वाली बीमार मूस परेशान हो गई। मुझे ना पहचानने वाले भी हालचाल पूछने के नाम पर आके जितना चाहे उतनी घास खा रहे हैं। ऐसे तो मेरे ठीक होने तक पूरा घास खत्म हो जाएगा, तब मेरा क्या, बोलकर उदास हुई। लेकिन क्या फायदा, अगले दिन ही उधर की पूरी घास खत्म हो गई। अब ना कुछ कर पाते हुए बेचारी वो बीमार मूस चल ना पाने की स्थिति में भी जैसे तैसे करके दूसरी जगह ढूंढ लिया। और इस बार उसने ध्यान रखा ताकि उसकी पता किसी को पता ना चले। इस कहानी की नीति है कि मन में खोट होने वाले मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है। बाज और बिल्ली की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के छाल में एक बूढ़ा बाज रहता था। वह बाज अंधा था, इसके कारण वह कहीं बाहर नहीं जा पाता। उस पेड़ पे बहुत सारे पंछी भी घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। वह पंछियाँ पूरा दिन भोजन ढूंढने में लग जाते। यह बूढ़ा बाज पंछियों के बाहर जाने पर उनकी बच्चों को अच्छे अच्छे कहानियाँ बोलते हुए ध्यान रखता। शाम को घर लौटने वाले पंछी उनके लाए हुए भोजन में थोड़ा सा बाज को भी देते। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वहाँ से गुजरता हुआ एक बिल्ली पेड़ पे खेल रहे पंछियों के बच्चों को देखा। आहा, बच्चे बहुत नरम हैं। इनका मांस तो बहुत ही अच्छा होगा। इतने स्वादिष्ट खाने को मैं अपने सामने रख कर पूरा जंगल घूमता रहा, सोचकर उन्हें खाने उस पेड़ पर चढ़ गया। उस बिल्ली को देख सारे पंछियों के बच्चे डर के चिल्लाने लगे। वह आवाजें सुनकर बाज छाल से बाहर आकर कौन है वो करके गुस्से में चिल्लाया। उस चिल्लाहट सुनते ही बिल्ली के ऊपर के प्राण ऊपर ही गए। उधर उन बच्चों के अलावा कोई नहीं सोचकर पेड़ चढ़ गया था, पर अब बाज को देख कांपने लगी। बचने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। जो होगा सो होगा, सोचकर साहस करके कहा, हाँ मैं एक बिल्ली हूँ, आपके आज्ञा के बिना इस पेड़ पर चढ़ के आने के लिए माफी चाहता हूँ। तब तुरंत बाज, क्या तुम बिल्ली हो, पहले इस पेड़ से उतरकर चले जाओ नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा, बोलकर चेतावनी दी। हाँ पर अब गुस्सा ना हो, मेरा जन्म बिल्ली जात का होने पर भी उस जात के लक्षण नहीं आए। मैं मांस नहीं खाता, ऊपर से ब्राह्मण हूँ। इस जंगल के पंछी जानवर तुम सब बहुत ही अच्छे हैं करके तुम्हारे लिए अच्छाई सुनकर तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, बिल्ली ने बहुत ही होशियारी से कहा।
बिल्ली के बातें सुनकर बाज बहुत खुश हुआ। इससे बिल्ली बाज की और तारीफ करने लगी। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तब से हर दिन वह बिल्ली पंछियों के ना होने के समय पर बाज के पास आकर एक घंटा बातें करके चली जाती। बिल्ली के मीठे मीठे बातों से पंछियों के बच्चे उससे अच्छे से मिल गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर मौका देख हाथ आए हुए हर एक बच्चे को खाना शुरू कर दिया। बिल्ली खाने के बाद बिना किसी को दिखे उन बच्चों के हड्डियों को बाज के रहने वाले चाल में फेंक दिया। आगे आगे पेड़ पे रहने वाले पंछी अपने बच्चों को गायब होता देख वह सब एक दिन इकट्ठा होकर बाज के पास आकर अपने बच्चों के गायब होने वाले खबर पूछे। अंधा बाज उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सारे पंछी बाज के घर जाकर देखा तो पूरा चाल पंछी के बच्चों की हड्डियों से भरा पड़ा था। बिल्ली के बारे में ना कुछ जाने बिना सारे पंछी बाज ही उनके बच्चों को मार कर खाया होगा। सोचकर उस बूढ़े बाज को अपने नुकीले चोंचों से वार कर करके मार दिया। करके पीड़ित होते हुए बाज ने अपने प्राण छोड़े। इस कहानी की शिक्षा है कि जन्मजात के लक्षण मरने से भी नहीं मिटते। मूर्ख और लालची लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। उसे सब कुछ पाने का लालच था, लेकिन वह छोटा जानवर होने के कारण उसकी कोई भी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई। कोई शेर या भाग के शिकार करके खाने से बची हुई मांस को खाकर अपनी जिंदगी जीता। भगवान, जंगल के राजा शेर के अलावा ये लोमड़ी को बनाया तो अच्छा था। हर एक जानवर को भगाकर अपने पंजा लड़ाकर मारता और खुशी से पर्याप्त भोजन खाता। मेरे खाने से बची हुई मांस के लिए शेर भाग लड़ते हुए मरते। बोलकर दिन के सपने देखता हुआ वैसा होगा तो कितना अच्छा होगा सोचकर गिर गिर कर हंसने लगा। ऐसे चलते एक दिन एक शिकारी जंगल आया। उसे दूर में घास चरती हुई अकेली हिरन दिखी तो उसने तुरंत तीर का निशाना लगाकर हिरन पे छोड़ा। तीर लगते ही हिरन नीचे गिरकर मर गई। फिर उस हिरन को अपने पीठ पर रखकर शिकारी वापस चल पड़ा। वह थोड़ी दूर चलते ही हाथी दिखी। तुरंत निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर बस थोड़े में ही छूटने पर हाथी घायल हुआ, पर तुरंत प्राण नहीं गए। हाथी गुस्से में शिकारी पर कूद के उसे मारकर कुछ ही देर में हाथी भी विषैले तीर के घाव से मर गया। उस रास्ते से ही जा रहा लोमड़ी मरे पड़े हिरन, हाथी और शिकारी को देखा। एक ही बार इतना सारा मांस देखने से खुशी में उछल पड़ा। तो वह तो पहले से ही लालची था ना। फिर शिकारी के बाजू में पड़े हुए बाण के तार को देख कहा, आहा, यह मेरे लिए मांस का भंडार है। आदमी हाथी हिरन के मांस को आराम से खा सकूंगा, पर अब पहले इस तार से अपनी भूख बुझाऊंगा। बोलकर उस बाण से लिपटे हुए तार को काटा। तार टूटने से घुमा हुआ तीर जोर से लोमड़ी के दिल में चुभा और लोमड़ी मर गया। बेचारी लोमड़ी अपने हद से ज्यादा बढ़ने वाले लालच के कारण तीनों के मांस आराम से खाने के बजाय खुद के प्राण ही ले लिए। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच बुरी बला है। चालाक लोमड़ी और मुर्गा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह भोजन के लिए बहुत जगहों में पूरा दिन घूमता रहा। उस चालाक लोमड़ी की बुद्धि जानने वाला कोई भी जानवर यह ध्यान रखता कि उसकी नजर उस पर ना पड़े। इससे वह लोमड़ी मांस खाए हुए 10 दिन के ऊपर ही हो गए।
एक दिन वह लोमड़ी जंगल पार करके पास के एक गांव गई। भूख से तड़पती हुई कहीं भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा ही करके पूरा ढूंढने लगी। ऐसे पूरे गांव में घूमते हुए लोमड़ी को एक मुर्गे ने देखा। ये चाल बस लोमड़ी जंगल पार करके गांव में क्यों घुसी? उसकी नजर में आऊंगा तो मार के खा जाएगी। सोचकर जल्दी जाकर पास के पेड़ पर चढ़ गई। देर से ही सही मुर्गा को देख लोमड़ी पेड़ के पास आई। पेड़ के डाल पर बैठा हुआ मुर्गा को देखते ही लोमड़ी की भूख दुगनी हो गई। किसी भी तरह उस मुर्गे को मार के अपनी भूख बुझाने के लिए एक चाल चली। धीरे से उस पेड़ के नीचे आकर, दोस्त रेडियो में कल एक खबर सुना क्या? से सारे जानवर मिलजुल कर दोस्तों की तरह रहेंगे। अब डर कैसा? नीचे आ जाओ, हम दोनों दोस्तों की तरह मिल जाएंगे, मिलकर खेलेंगे, मीठी आवाज में कहा। उस चालबाज लोमड़ी की बातों में कितनी सच्चाई है करके मुर्गी को पता था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी सोचने लगा। वह मुर्गा आखिर में होशियारी से, अच्छा यह खबर मैंने सुना दोस्त, बोलकर दूर इधर उधर देखते हुए कहा। तुम्हारे दोस्त इधर ही आ रहे हैं, उन्हें भी आने दो, तब सब मिलकर मजे से खेलेंगे। इस रास्ते से आने वाले मेरे दोस्त कोई नहीं है, फिर कौन आ रहा है? शिकारी कुत्ते और उनके दोस्त, बोलकर मुर्गे ने धैर्य से उत्तर दिया। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी डर के चौंक गया, कांपने लगा। उनकी नजर में आया तो मरना निश्चित है करके सोचा। लोमड़ी को डरना देख मुर्गा, इसे डर के कांप क्यों रहे हो दोस्त, बोलकर हंसते हुए पूछा। तब लोमड़ी, पता नहीं कि वे लोग कल के रेडियो की खबर सुना होगा या नहीं, ना सुना तो मेरे प्राण ले लेंगे, बोलते हुए उधर से जल्दी भागकर जंगल गई। अपनी होशियारी से अपने प्राण बचाकर मुर्गे ने आराम की सांस ली। इस कहानी की शिक्षा है कि धोखे को धोखे से ही जीतना पड़ता है।